बहुत उपयोगी किचन टिप्स। नंबर एक, सूखे हुए मकई को एक दिन धूप में रखें, इससे पॉपकॉर्न अच्छे बनते हैं। नंबर दो, बारिश के मौसम में नमक को पानी होने से बचाने के लिए उसमें एक मुट्ठी चावल रख दीजिए। नंबर तीन, ग्रेवी की रंगत अच्छी रखने के लिए मसालों के साथ जरा सा चुकंदर कसें। नंबर चार, हलवे में सूखी चीनी डालने की जगह चाशनी बनाकर डालें। नंबर पाँच, टमाटर सूप को गाढ़ा व स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा ब्रेड चूरा डालकर मिक्सी में चलाएं। नंबर छः, सब्जी में खटाई सब्जी पक जाने के बाद ही मिलाएं। नंबर सात, बेसन के घोल में जरा सी उड़द के दाल का पेस्ट डाल देने से पकौड़ियाँ बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। नंबर आठ, दूध को उबालते समय दूध के बर्तन पर एक लकड़ी का बड़ा चम्मच रख दें, दूध बाहर नहीं गिरेगा। नंबर नौ, क्रिस्टल क्लीन बर्फ जमाने के लिए पानी उबालने के बाद उससे बर्फ जमाएं। नंबर दस, बरसात के दिनों में मसालों को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें कांच के जार में रखें। नंबर 11, मसालों में थोड़ा सा नमक मिला दे, इसे मसालों में जाले नहीं पड़ेंगे। नंबर 12, चावल व आटा को बरसात में पड़ने वाले कीड़ों से बचाने के लिए उसमें पत्ती सहित नीम की डंठल रख दें। नंबर 13, प्याज काटने के बाद अक्सर इसकी गंध हाथों में रह जाती है, इससे छुटकारा पाने के लिए हाथों में थोड़ा बेकिंग सोडा लें व रगड़कर वॉश करें। नंबर 14, सलाद काटते समय हमेशा सब्जियां तिरछी काटें, इससे इनका जूस बरकरार रहता है। नंबर 15, दाल को जल्दी पकाने व टेस्टी बनाने के लिए उसमें जरा सी हल्दी पाउडर व कुछ बूंदे तेल की डाल दें। नंबर 16, टमाटर से छिलका उतारने के लिए टमाटर पर एक क्रॉस बनाएं, फिर इन्हें उबालें, छिलका आसानी से उतर जाएगा। नंबर 17, चावल बनाते समय इसमें एक छोटा चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए, जिससे चावल ज़्यादा सफ़ेद व खिले खिले बनेंगे। नंबर 18, समोसे का आटा गूंथते समय इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला लें, इससे समोसे कुरकुरे बनेंगे। नंबर 19, आलू की टिक्की के मसाले में एक कच्चे केले को उबालकर उसमें मिलाएं, ऐसा करने से टेस्ट बढ़िया आता है। नंबर 20, अगर आप बेकिंग करने जा रही हैं तो ओवन कुछ देर पहले ही गर्म होने रख दें। नंबर 21, छेना फाड़ने के बाद उसके पानी का उपयोग पराठे के आटे को गूंथने में करें, इससे पराठे ज़्यादा टेस्टी और मुलायम बनेंगे। नंबर 22, गैस फ्लोर पर पड़े आटे को साफ करने के लिए क्लीनिंग स्क्वेज का उपयोग करें, कपड़े का नहीं, गीले कपड़े से साफ करने से आटा अक्सर कपड़े व फ्लोर पर चिपक जाता है। नंबर 23, अगर आप दाल में सिर्फ जीरे का तड़का लगाती हैं तो अब दाल में बारीक कटा हरा धनिया और थोड़ा सा घी भी मिलाएं, दाल का स्वाद और रंग दोनों बढ़ जाएंगे। नंबर 24, रायता तो आप अक्सर बनाती होंगी, लेकिन इसे और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें साबुत जीरे और हींग का तड़का लगाइए, रायते में पुदीने का पाउडर डालने से भी उसका स्वाद बढ़ता है। नंबर 25, दाल को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना चाहती हैं तो उसमें जीरा, राई, प्याज और करी पत्ते का तड़का लगाइए, स्वाद दोगुना हो जाएगा। नंबर 26, मसूर या अरहर दाल को 3-4 मिनट तक धीमी आंच पर भून लें, फिर ठंडा होने के बाद इसे एयरटाइट डिब्बे में रखें। जब भी दाल बनानी हो इसे कुछ देर पानी में भिगो कर रखें, फिर सामान्य रूप से पका लें, इससे दाल अच्छी बनती है। नंबर 27, बेसन का चीला नरम बनाना चाहती हैं तो उसमें थोड़ा ताज़ा दही मिलाएं। नंबर 28, साबूदाने की टिक्की बना रही हैं तो उसमें एक ब्रेड का टुकड़ा भी मिला दें, इससे टिक्की फटती नहीं है। नंबर 29, खीर बनाने से पहले चावल को 1 घंटे तक भिगो कर रखें, इसके बाद इसे 10-15 मिनट के लिए फैलाकर सुखा लें, इस चावल को बेलन से क्रश कर लें, इस चावल की खीर बनाएं, स्वादिष्ट बनेगी। नंबर 30, पूरी का आटा गूंथते समय इसमें थोड़ा दूध मिलाएं,
फिर गर्म पानी से गूंथ लें। इससे पूरी नर्म और स्वादिष्ट बनती है। इसी तरीके की और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।